साय ने गृह विभाग की हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें गृह मंत्री, गृह सचिव, डीजीपी मौजूद रहे और इस बैठक में नए कानूनों पर मंथन किया गया है। देखिए, सीएम विष्णुदेव साय ने गृह विभाग की हाई लेवल मीटिंग ली। बैठक में राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह विभाग के अपर सचिव भी इसमें शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 150 साल पुराने ब्रिटिश संसद में पास हुए कानून पूरे भारत में लागू थे। उनमें आईपीसी, सीआरपीसी में कुछ नए कानून भारतीय आत्मा को ध्यान में रखते हुए बने हैं। उनमें राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया है। इन नए कानूनों को लेकर विभागीय प्रशिक्षण होगा। 150 साल पुराने कानूनों के माध्यम से, वो कानून जो ब्रिटिश संसद में पास हुए थे, उसी से पूरा भारत के प्रक्रियाएं गवर्न हो रही थी। उसमें आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। उन तीनों के समानांतर भारतीय आत्मा को ध्यान में रख करके और भारतीय सदन में प्रस्ताव पारित करके कानून केंद्रीय स्तर पर बने हैं। लोकसभा, राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर भी उसमें हो चुका है। गृह मंत्री ने कहा कि कानून आधुनिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस कानून से जुड़ी पूरी कार्य योजना को बनाकर विभाग ने सीएम के सामने रखा। इतने आधुनिक तरीकों को रखकर के उन कानूनों को बनाया गया है कि बहुत सारे संसाधन, बहुत सारी प्रक्रियाओं को ठीक करने के लिए बहुत सारा काम करने की आवश्यकता होगी। उन पूरी कार्य योजना को बना करके विभाग ने आज माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उसको रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देख करके ये कहा है, आश्वस्त किया है पूरे विभाग को, आप पूरी ताकत से कोशिश करें, किसी बात की कमी नहीं होगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 कानून संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए। नए कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 3 नए कानून क्रिमिनल जस्टिस कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अधिसूचना के बाद 1 साल के भीतर पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद नए कानूनों के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।